गिरफ्तारी को लेकर डरी हुई जैकलिन फर्नांडिस कोर्ट में अग्रिम जमानत लेने पहुंच गई हैं। 200 करोड़ की ठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन के रिश्तों का खुलासा तो बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन अब जांच एजेंसियां जैकलिन के वो काले कारनामे पता कर रही हैं जो जैकलिन ने अपनी मासूम शक्ल के पीछे किए हैं। जैकलिन से ईडी और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जबरदस्त पूछताछ की है और इसमें कई भयानक राज खुलकर सामने आए हैं। इस बीच जैकलिन डरी हुई हैं कि अब उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। कुछ देर पहले जैकलिन कोर्ट पहुंची और उन्होंने अपने वकील के साथ अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने इस पर ईडी को तलब कर लिया है। कोर्ट रेगुलर बेल पर ईडी से जवाब आने के बाद ही फैसला लेगी, लेकिन तब तक कोर्ट ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर जैकलिन को अंतरिम जमानत दे दी है। अब ईडी या दिल्ली पुलिस कुछ वक्त के लिए जैकलिन को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, लेकिन कोर्ट ने जैकलिन को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। तब तक जैकलिन को दिल्ली आकर जांच एजेंसियों को सच बताते रहना होगा। इस हाई प्रोफाइल मामले में बॉलीवुड चुप्पी जरूर साध कर बैठा है, लेकिन अंदर ही अंदर जैकलिन से सबने दूरी बना ली है। क्या सलमान, क्या अक्षय, क्या साजिद नाडियाडवाला, जिनके जैकलिन सबसे करीब मानी जाती हैं, वो जैकलिन का नाम भी अपनी जुबान से लेने से कतरा रहे हैं। जैकलिन से सारी फिल्में भी छीन ली गई हैं। जैकलिन के साथ जिन फिल्मों की शूटिंग अधूरी पड़ी थी वो भी सभी पूरी हो गई हैं। जैकलिन अब इस दलदल में बुरी तरह से फंस चुकी हैं और उनका निकलना अब नामुमकिन सा हो गया है। दूसरी तरफ जैकलिन के हर झूठ से पर्दा उठ रहा है। जैकलिन ने पहले पूछताछ में ये बताया था कि सुकेश ने उनसे सब कुछ झूठ बोलकर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। जांच एजेंसियों को जैकलिन की बात पर भरोसा भी हो गया था, लेकिन जब इस केस के तार खुले तो पता चला कि ठगी और आपराधिक खेल तो जैकलिन की आंखों के सामने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो सुकेश की मोहब्बत में डूबी रहीं, उससे पैसे लेती रहीं, अपने घर वालों पर उसका पैसा लुटाती रहीं। जैकलिन के अलावा इस मामले में चाहत खन्ना और निक्की तंबोली का नाम भी सामने आ चुका है। हीरोइनों की फहरिस्त और लंबी हो सकती है, लेकिन यह मामला इतना गहरा है कि जांच एजेंसियां अब तक इसकी तह पर नहीं पहुंच पाई हैं। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।